मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने शनिवार रात अपने घर पर एक पार्टी होस्ट की। यह पार्टी मामी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई थी, जिसमें आमिर खान, कंगना रनौत, करण जौहर, जैकी श्रॉफ, अदिति राव हेदरी, राजकुमार राव, रितेश देशमुख, जायरा वसीम, अनुपम खेर और अरशद वारसी समेत कई सेलेब्स नजर आए। इस मौके पर दंगल गर्ल फातिमा सना शेख एक बार फिर ग्लैमरस अवतार में नजर आई। उन्होंने व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और साथ में लंबे बालों की विग लगाई हुई थी। वो अपने ऑन स्क्रीन फादर यानी कि आमिर खान के साथ यहाँ पहुंची थी। बता दें कि फिल्म फेस्टिवल की स्पॉन्सर मुकेश अंबानी की ही कंपनी है, वहीं मामी की चेयरपर्सन आमिर की वाइफ किरण राव है। यही वजह है कि इस पार्टी में आमिर बतौर स्पेशल गेस्ट पहुंचे। पिछले साल भी मामी फिल्म फेस्टिवल के बाद मुकेश अंबानी ने अपने घर पर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी रखी थी। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और किरण राव ने शादी के 15 सालों बाद तलाक ले लिया है। आमिर और किरण राव ने शनिवार को जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर बताया कि दोनों ने तलाक ले लिया है, लेकिन अपने बेटे आजाद राव खान के लिए वो एक कॉर्पोरेट रहेंगे। वहीं दोनों ने कहा कि एक प्रोफेशनल भी दोनों एक साथ काम करेंगे। आमिर और किरण ने 2005 में शादी की थी। आमिर खान और किरण राव की तलाक की खबर सामने आते ही ट्विटर पर एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ट्रेंड होने लगी। फिल्म दंगल में आमिर खान और फातिमा सना शेख ने साथ में काम किया था। फातिमा सना शेख और आमिर खान की अफेयर की खबरें कुछ सालों पहले खूब चर्चा में थी। अब जब आमिर ने अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से भी तलाक ले लिया तो ट्विटर पर सैकड़ों यूजर ने लिखा कि आमिर खान और किरण राव की तलाक की वजह फातिमा सना शेख हो सकती है, क्योंकि दोनों की अफेयर की खबरें रिपोर्ट की जाती है। ट्विटर पर हैशटैग आमिर खान और हैशटैग फातिमा के साथ कई यूजर ने लिखा है, दोनों के बीच का अफेयर तलाक की वजह हो सकती है। ट्रेंड के साथ फातिमा सना शेख के कई मेम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। हालांकि आमिर और किरण ने अपने बयान में कहा कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का और शादी खत्म करने का फैसला किया है। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।